नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह माथुरी, चित्रकार। अब प्रिय मित्रों, आपको विदित होगा कि अब रामायण का दौर चल रहा है, सब जगह रामायण का मंथन चल रहा है। आपको मैं अपनी चित्रकारी के द्वारा जो ब्रह्मांडीय अक्षर ओम द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को संक्षिप्त रूप में रामायण दर्शन कराना चाहता हूँ। रामायण, श्री भगवान राम के संक्षिप्त वर्णों में राम तमव आदि जाना, स्वर्ण हिरण का आना, सीता हरण, जटायु मरण, सुग्रीव वार्तालाप, बाली बिन पुल के समुद्र, पार लंका पुरी का दहन, उसके बाद रावण कुंभकर्ण, कर्ण मेघनाथ का वध आदि, रामायण को नमन। भगवान राम की रामायण से पूर्व शिव बारात को हमने इसमें लिया है। दशरथ की तीन रानियाँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, उनसे अलग अलग सुमित्रा लक्ष्मण शत्रुघ्न, कैकेयी द्वारा भरत और कौशल्या के द्वारा राम को रामायण में माता कौशल्या से आशीर्वाद लेते हुए राम गमन के द्वारा सबरी के बेरों का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। भगवान राम जीव जंतुओं से भी बहुत प्रेम करते थे, ऐसे ही चित्रों दूसरे चित्रों में मैंने बनाए हैं। भरत को पादुका भेंट करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि भाई आप वापस चलो, ऐसा चित्र में है। जब रावण माता सीता का हरण कर रहे थे तभी जटायु ने उनकी रक्षा की और उनको घायल कर दिया गया। राम सीता और लक्ष्मण के समर्पित हनुमान जी का भी चित्र इसमें लिया है। राम श्री राम जी, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी ये यात्रा पर निकलते हुए लंका दहन हनुमान जी ने उसको कड़ा जवाब दिया और राम भक्ति का उन्होंने ये परिचय भी दिया। हनुमान जी जब लंका में लंकापुरी में गए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास करते हुए श्रीलंका में जब हनुमान जी ने प्रवेश लिया तो वहाँ के लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया, ना अतिथि की तरह से उनका व्यवहार हुआ,
उन्होंने स्वयं ही अपनी पूंछ को बढ़ा करके अपने सिंहासन बना करके बैठ गए और सब वहाँ के लोग कोतवाल की तरह देख रहे थे। रामायण में बाली और सुग्रीव का युद्ध भी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, बहुत वर्णन है। रामायण में रावण ने विभीषण को बहुत बुरी भला कहा उसको, और उसको अपने वहाँ से लंका से भी उसको निकाल दिया। श्री राम जी की शरण में वे पहुँचे, वो उनको सम्मान देते हुए श्री राम जी जो अपना हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। लंकापुरी को जीतने के लिए भगवान राम ने इस तरह की युद्ध की तैयारी की जिसमें वानर सेना को बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रशिक्षित करते हुए दिखाया गया। इस चित्र में भी लंका को जीतने के लिए युद्ध की तैयारियों का विशेष स्थान दिया है, और युद्ध जीतने से पहले जो बहुत बड़ा समुद्र था जो लंका से कन्याकुमारी से लंका को जो जाता है पुल, ये उन्होंने पत्थरों के द्वारा बनाया जिन पर श्री राम भगवान राम का उसमें हनुमान जी ने ये सेतु बनाया था। गिलहरी भी अपना एक सहयोग कर रही थी भगवान राम के लिए, वो भी पूछ में मट्टी लपेट लपेट करके वो भी समुद्र में वो मट्टी को उसमें बहा रही थी। उसका छोटा रूप भी बहुत बड़ा एक इतिहास है। ये रामायण में श्री भगवान राम जी युद्ध लड़ रहे लंका में, उसको जीत करके आए। इस चित्र में रावण को किस तरह से पराजित किया, इनकी सेनाओं को मारा गया, बताते रावण के 10 सिर थे जिन्हें दशानन कहते थे, उनको ऐसा पराजित किया, वध कर दिया गया जो आज की रामायण में हमारे ये जो चली आ रही रामायण ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसको मान्यता देते हैं, सब सम्मान करते हैं। भगवान राम को विजय दशमी के त्यौहार मनाया जाता है जिसको सब बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है, और विजय दशमी इसको सम्मानित दिया जाता है।